हेलो साथियों, कैसे आप सभी साथियों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो आइए चलिए वीडियो जल्द से जल्द शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में होने वाली है और आपका इस पे टाइम, समय और पैसा सब कुछ बचने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में आप मुंबई फेरी घाट से मांडवा अलीबाग किस तरह जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं M2M फेरी के बारे में, जो कि मुंबई से अलीबाग जाती है। ये आपके टाइम को लगभग 60 मिनट से भी कम में तय कर देती है और आपको 111 किलोमीटर दूर नहीं जाना होता है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो आपको 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और भीड़ भाड़ से होते हुए डीजल पेट्रोल का भी खर्च आपको अलग से लगता है और टाइम तो बहुत ही ज्यादा आपको लगता है। इसे M2M फेरी से अपना पैसा बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये M2M फेरी पार्किंग के मामले में काफी बड़ी है। आप चाहे तो इस पे आप बाइक, साइकिल, ऑटो या बस तक आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं और आप अपने साथ कोई पेट ले जा रहे हैं तो उसकी सुविधा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उन्हें आप अलग से एक जोन में जाके छोड़ सकते हैं, जिनका आपको टिकट लेना होगा। टिकट की बात हम अभी करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसकी सुविधाएं बता देता हूँ। टिकट आपको इसके एरिया अनुसार लेना होता है और समुद्र के रास्ते ये आपकी दूरी मात्र 19 किलोमीटर की रह जाती है, जिसमें आपको काफी टाइम बच जाता है। इसके अंदर 145 वाहन को ले जाने की क्षमता है और 500 यात्री इसमें एक साथ जा सकते हैं। ये जगह जो मिलती है आपको मुंबई में फेरी घाट भोचुक्का धक्का से आपको रामगढ़ मांडवा अलीबाग जाती है। साथियों, आप अपने साथ अगर साइकिल लेके जा रहे हैं तो उसके आपको 110 रुपए चार्ज देना होगा और बाइक से जा रहे हैं तो 210 रुपए चार्ज आपको पार्किंग का देना होगा और आप कार से जा रहे हैं तो 1050 रुपए आपको कार का टिकट लेना होगा और बस से अगर आप जा रहे हैं बस लेके तो 4500 रुपए आपको पे करने होंगे। टिकट चाहे तो आप ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन भी आप जाके टिकट ले सकते हैं। और आप सोलो घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कोई भी वाहन आपके साथ नहीं है तो आपको इस तरह से टिकट मिलता है। स्कोडा जोन, इसमें आपको ड्रिंक पीने की अनुमति नहीं है। कैफे इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जहां जाके आप पे करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और पे करके ही आप कुछ भी खा पी सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस होता है 390 रुपए। और बात करें दूसरे डेक की तो इस पे आपको 460 रुपए का टिकट लेना होगा और नंबर 3 पे सुपर लॉज का आपको 1500 रुपए टिकट प्राइस मिलता है। और आप अपने साथ कोई पालतू जानवर लेके जा रहे हैं तो उसके आपको 310 रुपए टिकट चार्ज देना होगा। इसमें लोग ज्यादातर जाके घूमते हैं। अपर डेक पे जाके आपको ओपन बार भी मिल जाता है, आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसमें आप खुली हवाओं में बैठ सकते हैं या आप किसी भी रेस्टोरेंट कैफे के पास जाके भी बैठ सकते हैं। एसी लाउंज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जिस समय आप इस सफर को करते हैं तो आपको इस सफर में बहुत ही मजा आता है, फुल एंजॉय आप करते हैं और पक्षी भी आपके आसपास ही उड़ते नजर आ जाएंगे जिस समय आप मुंबई से अलीबाग जा रहे होते हैं। तो आपने देखा कितना कम समय आपको इसमें जाने में लगेगा और 111 किलोमीटर की दूरी मात्र आपकी 19 किलोमीटर की रह जाती है, जो मात्र आपको 1 घंटे के लगभग आराम से पहुंचा देती है। ये M2M फेरी मुंबई में काफी यूज होती है, एवरीडे चलती है, 12 महीने हर साल चलती ही रहती है, कभी भी हॉलीडे इसका नहीं होता है। तो आप जाके इसे एंजॉय कीजिए और इसका एक्सप्लोर करने के बाद हमें भी कमेंट में साथियों जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। अभी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। और गोवा के ऊपर आप किसी क्रूज को देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो में लास्ट में लगा देता हूँ, आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो मिलेंगे साथियों किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।